डाल दिया भाई, सारा सामान डाल दिया जी, सारा सामान डाल दिया। तो ठीक है फिर बंद करो इसको। हाँ। परेशान क्यों हो रही हो? परेशान नहीं हो रही, हो तो रही हो, अपना ख्याल रखना है। मैं फिर निकलता हूँ, सुहेल मुझे जा रहा है छोड़ने, तो जाएगा तो ठीक है वरना फिर इसके काम देखे। रो के किस लिए रही हो? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। और आज सबसे पहले आप सब देखने वालों को जुम्मा मुबारक हो। मौसम आज देखें बिल्कुल क्लियर है, दूर दूर थोड़े थोड़े बादल बने हुए हैं। और अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ सब आपसे शेयर करता हूँ। और इधर रिमशा और आयशा आई हुई हैं मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? आयशा भी आपको सलाम कर रही है। हाय बाय बाय। अभी आयशा और मेरा जो सूट है ना वो सेम सेम है। मैंने भी ब्लैक पहना हुआ है, आयशा ने भी ब्लैक पहना हुआ है, और इमशा का येलो है, येलो नहीं ग्रीन पहना हुआ है। ठीक है, और तुम बताओ तुमने कौन से कलर का सूट पहना हुआ है ये बताओ, उर्दू में बताओ। मुझे नहीं पता। चल बता दे यार, नहीं पता मुझे इसको ना कलरों का नहीं पता, आप यकीन नहीं करेंगे, सीरियसली बता रहा हूँ। इससे पूछो, अब मैं येलो कह रहा था तो इसने मान लेना था कि मैंने येलो ही पहना हुआ है। चलो आप बता दो कि कौन सा पहना हुआ है। नहीं मुझे नहीं। अच्छा मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने येलो नहीं पहना हुआ ना ही ग्रीन पहना हुआ है, ये बताओ तुमने कौन सा पहना हुआ है। मैं सावा ना सरेके ना दास ना तू उर्दू है दास सरेकी में इसको पता है, लेकिन उर्दू में कह रही है मुझे नहीं पता कि मैंने कौन सा कलर पहना हुआ है। तो अच्छा मैं तुम्हें तीन बताता हूँ, तीन में से तुमने एक सिलेक्ट करना है कि हाँ मैंने ये पहना हुआ है। हाँ। ग्रीन ब्लू और येलो, इनमें से कौन सा तुमने पहना हुआ है? येलो। येलो तुमने येलो सूट पहना हुआ है? ये देखने मैं कह रहा था ना सीरियसली इसको नहीं पता कि इसने ग्रीन पहना हुआ है, इसने येलो पहना हुआ है, इसने ब्लू पहना हुआ है, इसने ग्रीन पहना हुआ है। ग्रीन सावे को आदन। अच्छा ठीक है। सब्ज कलर ठीक है। ये देखें जी, ये ना रिमशा सीधी शादी है, बस क्या बताएं आपको। हाँ। ऐसे ही ना। आयशा आयशा क्यों जी? और अभी मैं जाने लगा हूँ बाजार एक बहुत ही ज्यादा जरूरी काम से, तो वो आगे चल के आपसे शेयर करता हूँ। अम्मी मुझे इस काम के लिए रोकती रही है कि ऐसा ना करो ना करो, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ रहा है। तो अभी सुहेल को बुलाता हूँ और हम चलते हैं। और बाकी सब अभी तीन का टाइम है ना तकरीबन, तो बाकी सब रेस्ट कर रहे हैं। अम्मी हाँ, अंदर सोई हुई हैं हाँ, और बच्चे सब सो रहे हैं। रिमशो को मैंने कहा कि आओ भी लोग मेरा स्टार्ट करवा दो, फिर मैं आगे बनाता जाऊँगा तो हाँ, सब कुछ ना शेयर करता जाऊँगा अपने व्यूअर्स से ना। तो शाजिया को नींद आई हुई है, उसको बुलाया। ओ आयशा आयशा बाय 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 काचा, बाय बाय करना, बाय बाय काचा, बाय बाय। चलो ठीक है यार, मैं चलता हूँ फिर। ठीक है, मैं कपड़े पाती खड़े की नहीं बिना। मौसम आज बिल्कुल क्लियर है, कोई धूप वगैरह नहीं, ओ बादल वगैरह नहीं बने हुए। ठीक है फिर चलता हूँ मैं, अम्मी को बता देना। अम्मी सो रही हैं, वो सो रही हैं। अम्मी अम्मी को नींद आई हुई है मेरे ख्याल में। लाइट अभी आई है ना, पूरा दिन लाइट नहीं थी। ठीक है यार, ओके फिर। हाँ ठीक है, अपना ख्याल से जाना, ख्याल से जाते हैं इंशाल्लाह। हाँ। आप दुआ करना। हाँ। तो पैकिंग मेरी सारी मुकम्मल हो चुकी है, और इधर देखें ये सारी ना मुझे रोकने के लिए आ गई है कि अब आप ना जाओ। अम्मा मैं बस मेहंदा पिया रोज तारे ताने मेने सुन सुन के ना, मैं थका खाना, मैं हूं घर छोड़ी मैं ना। तो आप लड़ते में ओ लड़ दिए, ओ लड़ दिए आप त्रिये लड़ पोने वे। ठीक है, मैं ते सुला करा करा के मैं थक गया, मैं कि बई जा कोई कार गिनसा दे, मैं हूं इतू घर ते छोड़। तुसा जो आप लड़सो हूं, मैं वाल दस केड़े से ते को चुप करावा, ऊ को चुप करावा, अम्मा को करावा करावा। अच्छा हाशिम आप सॉरी, आप ना जाए प्लीज। नहीं सॉरी सॉरी नहीं, अब सॉरी कर लेती हो ठीक है, बाद में वही आपका काम होता है। ठीक है, इस दफा मैंने अम्मी की भी नहीं सुनी, अम्मी भी ऐसे कह देती हैं, बाद में फिर ना लड़ाई होती रहती है, हर दफा आपका यही काम है।
सारे कपड़े मैंने डाल दिए हुए अम्मी, ठीक है ठीक है माँ, ठीक है ओके अल्लाह हाफिज, ठीक है माँ तो ना मान कहीं जा, बस ठीक है हुन ओके हाफिज, कोई ना मैं तुसा वाली में आखसो, ठीक है शादी ओके, मिल मिल दे मैं मेना सलाम कर, मैं मेना ठीक है तू नहीं करें दी, तू कर मैं मेना पिया सलाम कर, सलाम कर मैं वेंदा पिया, मुस्तकीम भी परेशान हो रहा है कि मामू जा रहे हैं आज, ठीक है फिर ना करो बाय बाय सबको, ठीक है मैं जाने लगा हूँ, ठीक है अपना ख्याल रखना अम्मा, कॉल पे बताती रहना कोई मसला मसाइल हो, ठीक मैं इंशाल्लाह आपसे बात करता रहूँगा, इन दोनों से मैंने नहीं बात करनी अब, रोज मैं इनकी वीडियो बनाऊँ, रोज वीडियो में दिखाऊँ, देखने वाले तंग आ गए इन दोनों की लड़ाई देख देख के, ठीक है अब ना जाएं, फिर लड़ाई हो तो आप फिर ना रुकिएगा, चली जाइएगा, नहीं नहीं बस आप हर दफा ऐसे ही कहती हो, ठीक है आपने ठीक है डीवाल ए दा हुन मिल जानी, मैं वेंदा पिया अपना, मैं घर कहने ठीक खड़ा, तू सा ठीक रह जानी बे, मैं किमे घर ठीक खड़ा, लगदा रहे विनवे वाली को जांदी विनवे ने समझावन गालदार कोई करेंदे हर लड़दे में घर च में छोटी मोटी गाल थी वेंदी है, कोई ना मां मैं नहीं जानता ये क्या हो गया, क्या हो गया आप क्यों रो रही हो, इसके काम देखे रो के किस लिए रही हो, इसका मतलब है कि रिमशा का दिल नहीं करता मैं घर छोड़ के जाऊं, ऐसे आप नहीं जाएं प्लीज, चलो चुप करो शाबाश चुप करो, मैं कहीं नहीं जा रहा मैं तो मजाक कर रहा था, आप तो रोने लगी हो हैं, चलो चुप करो शाबाश चुप कर जो, चुप करो चुप करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ये बैग रख दो शादिया, ये लो तुम भी अब उसको देख के रोने लगी, ये देखो इनके अब लड़ोगी नहीं हैं, कभी भी नहीं, पक्की बात है, पक्की बात, प्रॉमिस प्रॉमिस, ठीक है नहीं लड़ना ना अब हैं, चलो ठीक है अम्मा हुन आ जा खड़े ना, सन नहीं लड़ दिया ते असा हुन तू ना मन की नहीं लड़ जा अम्मी, और तीनों इमोशनल हो गई हैं जी, तीनों अब रोने लगी हैं, काम देख लड़ने के लिए आगे होती हैं और फिर इस तरह का मामला हो फिर भी ये ना इनको देखें क्या सिचुएशन है इनकी, ठीक है यार सब्र करो कुछ नहीं होता, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो सुहेल के साथ जा रहा था सुहेल के साथ जा रहा हूँ काम पे इन करना है, तो ये कह रही है कि शायद वाकई हाशिम घर छोड़ के जा रहा है, इस टाइम जो सबसे बैड अपडेट है वो ये है कि हमारे गांव में पूरे गांव को अलर्ट कर दिया गया है कि सैलाब आ चुका है, जो दरिया सतलुज है ना उसमें बहुत ज़्यादा पानी आ चुका है, और बेचारे जो गांव के लोग हैं अब पूरी रात उनको नींद नहीं आई, कल वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि पानी कहाँ कहाँ तक आ चुका है और कितना पानी है, और अभी भी सबको बता दिया हुआ है कि ऊँची जगह पर चले जाओ अपने घरों और कीमती सामान को ले कर, तो प्लीज़ आप सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है सबके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, सब माओं को सब बहनों को सब बच्चों को, तो इंशाल्लाह कल वाले व्लॉग में मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिखा सकूँ सूरत हाल है यहाँ की गांव में क्या हो रहा है और कितना सैलाब आ रहा है कितना है पानी नहीं है।